हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आज आपको मेरा मतलब कमरे का बैकग्राउंड थोड़ा हटके लग रहा होगा और आपको कुछ अंदाजा भी हो रहा होगा, कुछ चीजें लिखी और कुछ ड्रॉ किया हुआ देखकर। यस, मैंने ये बोर्ड खरीदा है किस लिए, आप गेस कर सकते हैं। अफकोर्स ट्रेनिंग के बारे में बातें करने के लिए। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं कैबिन क्रू की जिंदगी के बारे में, जहाजों के बारे में आपको अपडेट करती रहूंगी और मेक श्योर करूंगी कि जितने लोग भी इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता आसान बना पाऊं, उनको जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है उनको दे पाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनको किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में, गली मोहल्ले में या किसी शहर में जाके अपने 2-2.5 लाख रुपए खराब ना करने पड़े। तो आपके लिए है ये मेरा चैनल जिसका नाम है हेलो कैबिन क्रू। अगर आपने ऑलरेडी इस पे सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबाकर उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी मेरी जो वीडियो है जब रिलीज हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो आज मैंने क्या सोचा है, अफकोर्स हम कैबिन क्रू की सैलरी के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने जहाज के अंदर कभी पैर रख के अभी तक नहीं देखा और वो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, या कई लोग एज अ पैसेंजर कभी 4 साल या 5 साल में जहाज के ऊपर चढ़ते हैं लेकिन उनको जहाज के बारे में, अंदर में उसके क्या लेआउट होता है, क्या चीजें होती हैं, उनकी क्या टर्मिनोलॉजी होती है, कैसे किसी चीज का नाम पुकारते हैं या बुलाते हैं फ्लाइट में, तो वो चीजें लोगों को नहीं पता है जिसके बारे में बात करने के लिए ऑफकोर्स आज मैं आप सबके सामने आई। तो आज हमने क्या करना है, आज मैं इस बोर्ड के जरिए आप तक पहुंचाऊंगी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो अगर आप कभी कैबिन क्रू बनते हैं तो आपके काम आएगी। अगर आप कैबिन क्रू नहीं बनना चाहते और वैसे ही एविएशन से आपको प्यार है तो भी आपके लिए ये चीजें काम की हो सकते हैं। कहते हैं नॉलेज इज पावर, तो किसी अच्छी चीज के बारे में जानना कोई बुराई नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताऊंगी बहुत सारे कैबिन के अंदर की, फ्लाइट के अंदर की जो चीजें हैं उनको क्या बुलाते हैं, कहाँ पे क्या होता है, थोड़ा रफली जानकारी दूंगी क्योंकि जहाज अलग अलग होते हैं, उनका शेप एंड साइज डिफरेंट होता है, उसके फीचर्स डिफरेंट होते हैं। तो ये कोई टेक्निकल क्लास नहीं है, ये जनरल क्लास है जिसमें कि कल को अगर आप कैबिन क्रू बन जाते हो तो बनने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी इंटरव्यू हो जाती है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, उसके बाद एयरलाइन वालों की तरफ से एक ट्रेनिंग में से आपको गुजरना पड़ता है, जिस ट्रेनिंग में आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी आपको डिफिकल्ट ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले नहीं पता होता तो आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए मैं आई हूं आज आपके पास इस ट्रेनिंग को लेके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आपको बताती हूँ आज मेरे मन में है क्या और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। आई एम नॉट 100% परफेक्ट, जो मेरी नॉलेज है मैं उतनी ही आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैंने गलती से परमानेंट मार्कर इस पे लगा दिया है तो अभी आई हैव टू फाइंड अ वे कि इसको मैं कैसे हटाऊंगी, दैट आई थिंक आई विल वर्क इट आउट कुछ अल्कोहल वगैरह के साथ में। मैं थोड़ी एक्साइटेड थी तो आज मैंने इस पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया परमानेंट मार्कर्स के साथ में। तो चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ, एक मिनट, मेरी वायर जो है आई थिंक थोड़ी सी स्टक हो गई है। आज का ये नया सेटअप है, मुझे माफ कीजिएगा, इम्प्रूवमेंट्स होगी आने वाले दिनों में, बिकॉज अभी मुझे समझ नहीं आया कि इसको कहाँ टांगना तो मैंने इसको यही टांग दिया। तो सबसे पहले जहाज को आप सबको पता है कहते हैं एयरक्राफ्ट, राइट? एयरक्राफ्ट एयरबस भी हो सकता है, आपका बोइंग भी हो सकता है, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो एयरबस एंड बोइंग होता है जो एयरक्राफ्ट, बेसिकली दुनिया में बहुत सारी एयरलाइंस के पास इन दोनों कंपनीज के एयरक्राफ्ट होते हैं। बहुत सारी कंपनियां बोइंग यूज करती हैं, बहुत सारी कंपनियां एयरबस यूज करती हैं। एयरबस वाले कहते हैं बोइंग अच्छा नहीं है, बोइंग वाले कहते हैं एयरबस अच्छा नहीं है, तो ऐसा है बट इट्स लाइक अ ब्रांड। बट जहाज जहाज होता है और जब जहाज डिलीवर होता है किसी कंपनी को तो वो आउटर पार्ट जो होता है वो प्री डिसाइडेड, जो एक उसका बाहर का लेआउट है वो वैसा होता है, लेकिन अंदर कितनी सीटें फिट करनी है, कहाँ पे कौन सी सीट की शेप होगी, वो सारी चीजें एयरलाइन वाले अपने हिसाब से बताते हैं। इट्स लाइक आपके पास एक प्लॉट है, आपकी मर्जी है उसमें आपने 3 बेडरूम बनाना है, 2 बेडरूम बनाना है, डुप्ले बनाना है, 3 मंजिल खींचना है, तो ऐसा होता है। तो जब एयरबस या बोइंग एयरक्राफ्ट डिलीवर होता है तो वो एयरक्राफ्ट होता है
उसके अंदर का जो इंटीरियर है वो अलग से कंपनियां डिजाइन कराती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसका मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको इसके बाद में। तो ये मैंने जहाज अपने तरीके से तो बेस्ट ही ड्रॉ किया है। तो ये जहाज है, जहाज में जो ये हम ले लेते हैं ये फ्रंट साइड, ये हम ले लेते हैं बैक साइड। आपको पता है एयरलाइन टर्मिनोलॉजी में इसे कहते हैं फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड मैंने छोटे वर्ड्स में लिखा है, और इसे कहते हैं आफ्ट, फॉरवर्ड आफ्ट। तो हम फ्रंट एंड बैक नहीं बोलते जहाज में, हम बोलते हैं फॉरवर्ड एंड आफ्ट। जो जहाज जिस साइड से पैसेंजर्स एंटर होते हैं, बेसिकली जहाज कभी भी जब हमने राइट और लेफ्ट कहना हो तो हम जहाज के फ्रंट साइड में, मान लीजिए अब जहाज मेरे बिल्कुल कॉकपिट जो सामने जहाज सीधा है मेरे, तो जो मेरा राइट हैंड है वो राइट हैंड साइड गिनी जाएगी, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड गिनी जाएगी। तो अगर जहाज सीधा इस तरह जाता है तो मैं अगर ऐसे खड़ी होके राइट हैंड इधर करती हूं तो ये राइट हैंड साइड है जहाज की, और इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब मैं ऐसे खड़ी हूं, जहाज सीधे तरफ है, तो ये हो गया, इस वाला साइड हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला साइड हो गया मेरा राइट हैंड साइड। ये मैं आपको एविएशन टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रही हूं जो चीजें जिस तरीके से एयरलाइन में फॉलो होती हैं। अब बारी आती है ये जो फॉरवर्ड पार्ट में सबसे आगे का कैबिन होता है जहां पे पायलट्स बैठते हैं, उसको बोला जाता है कॉकपिट। तो ये है कॉकपिट, ये मैंने यहां पे भी लिख रखा है, तो कॉकपिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये होता है आगे वाला पार्ट जहां पे पायलट्स बैठते हैं, उसको बोलते हैं कॉकपिट। कॉकपिट में एक सीट यहां होती है, एक सीट यहां होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो सीट होती है वो होती है पायलट इन कमांड। तो मान लीजिए जहाज में कोई डिसीजन लेना है, किसी पेपर को साइन करना है, अगर फ्लाइट में कोई इमरजेंसी हो गई है और फ्लाइट को डाइवर्ट करके किसी और कंट्री में उतारने की जरूरत पड़ती है तो कौन डिसीजन लेता है? जो कैप्टन लेफ्ट हैंड साइड में बैठता है वो सबसे सीनियर कैप्टन होता है एज पर कंपनी रूल, और वही पेपर साइन करता है और वही डिसीजन लेता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बैठता है पायलट इन कमांड, हम उसको शॉर्ट में PIC भी बोलते हैं। राइट हैंड साइड सीट पे बैठता है फर्स्ट ऑफिसर, हमारी कंपनी में उसको फर्स्ट ऑफिसर बोला जाता है और उसका शॉर्ट फॉर्म है FO। इन द केस ऑफ अगर पायलट इन कमांड जो लेफ्ट हैंड सीट पे बैठा हुआ होता है, अगर उसको कुछ हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो उस केस में जो फर्स्ट ऑफिसर है वो डिसीजन लेता है। या मान लीजिए कई फ्लाइटों में जहां पे कैप्टन को रेस्ट अलाउड होता है, दोनों कैप्टन को 45 मिनट्स, तो अगर 45 मिनट्स एक कैप्टन रेस्ट ले रहा है, उस केस में फर्स्ट ऑफिसर राइट हैंड सीट वाला जो होता है वो डिसीजन ले सकता है उस टाइम के दौरान। बहुत सारे जहाजों में यहां पे पीछे दो सीटें होती हैं, इन्हें ऑब्जर्वर सीटें कहा जाता है, जहां पे कभी अगर कैप्टन को चेक करना हो या जो अथॉरिटीज रूल बनाती हैं वो लोग कभी कभी फ्लाइट को चेक करने आते हैं। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको ऊपरी ऊपरी बता रही हूं कि इन दो मेन सीटों के पीछे भी एक या दो सीटें, डिपेंडिंग ऑन द एयरक्राफ्ट कितना बड़ा साइज है जहाज का, कौन सा जहाज है, तो पीछे ऑब्जर्वर्स बैठे होते हैं जो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को कभी कभी चेक करते हैं कि वो लोगों की परफॉर्मेंस ठीक है या वो रूल्स एंड रेगुलेशन सही से फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी बात थी कॉकपिट की। कॉकपिट के यहां पे एक डोर होता है जो बुलेट प्रूफ होता है, और उसके कुछ कोर्ड्स होते हैं जो कैबिन क्रू के पास होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर मान लीजिए दोनों पायलट्स को कुछ हो जाता है तो कैबिन क्रू मेंबर्स के पास एक कोड होता है जिसके जरिए वो उसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्रू को पूछेगा कि कोड बता दो, वो कोड प्रेस करेंगे तो डोर अपने आप खुल जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर भी अंदर से कैप्टन को एक ना एक बटन दबाना पड़ता है। सो कई चीजें हैं जो मैं इसमें आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूं, लेकिन आपको ऊपरी ऊपरी बता रही हूं। अभी ये बात खत्म हो गई, अब आपको मेन चीजें जो मैंने समझाई हैं, फॉरवर्ड आफ्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड,
पायलट इन कमांड की सीट लेफ्ट में होती है, फर्स्ट ऑफिसर की राइट में होती है, टू ऑब्जर्वर सीट्स होती हैं, कॉकपिट का डोर, इसके बारे में आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगी लेविटरी। अब आप क्या उस पर आ जाते हैं थोड़ा सा बाहर। तो जहाज में जो टॉयलेट्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे टॉयलेट्स होती हैं, कोई सेट नहीं है कि यहीं पे होगी या वहां पे होगी, हर जहाज का अपना हिसाब है और जिस डिजाइनिंग के हिसाब से डिजाइन दिया है एयरलाइन ने उसके हिसाब से टॉयलेट्स होते हैं और जहाज में टॉयलेट्स को बोला जाता है लेविटरीज। तो लेविटरीज बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LAV, लैब, लेविटरी लैब। तो ये मान लीजिए लैब है। तो लेविटरी जो होती है इसका जो दरवाजा होता है वो बाहर से भी खोला जा सकता है। इसी के चलते ही मान लीजिए कोई अगर टॉयलेट में गिर जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई इश्यू हो जाए, अंदर एक घंटी लगी होती है, अगर वो पैसेंजर बजा देता है तो ये क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बीमार आदमी या औरत को वहां से निकालना, ये हमारी ड्यूटी ऑफ केयर के अंडर आता है। तो ये है लेविटरी। तो नोट कर लीजिए, जहाज में टॉयलेट को बोलते हैं लेविटरी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LAV, लैब। ये जो मैंने बनाया है उसके बाद बाहर ये है गैली। गैली क्या होती है? किचन। जैसे हमारे घरों में किचन है वैसे ही फ्लाइट में किचन होती है, लेकिन फ्लाइट में किचन को बोलते हैं गैली, GALLEY। सो यहां मैंने लिखा है ऑलरेडी गैलीज, तो उसको बोला जाता है गैली। तो लेविटरी, गैली और कॉकपिट। कॉकपिट होता है जिसके अंदर पायलट बैठते हैं। तो गैली में क्या होता है? अब आपके मन में आएगा गैली में हम आग जलती है तो हम लोग क्या खाना बनाते हैं? ऐसा नहीं होता। जो गैलीज होती हैं उनमें खाना बना बनाया केटरिंग की तरफ से, कार्ड्स होते हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगी अगर मैं अरेंज कर पाई ये सारी चीजें, तो मेरा प्लान है। तो उसके अंदर आपको खाना लोड किया हुआ मिलता है कवर्स में, अवन होते हैं जैसे माइक्रोवेव होते हैं उस तरह से अवन बने होते हैं जिसके अंदर खाना गर्म करके क्रू मेंबर बेसिकली सेट करके ट्रे पे पैसेंजर को देते हैं, ये उनकी जॉब होती है। तो ये गैली में सारा कुछ होता है। गैली में पानी होता है हमारे पास, अवन होते हैं खाना गर्म करने के लिए, माइक्रोवेव होता है और टी कॉफी मेकिंग मशीन्स होती हैं और कंटेनर होते हैं जिसमें सामान लोड किया जाता है, राशन जिसे हम बोलते हैं, चाय कॉफी पत्ती जो भी है वो सारा सामान उन कंटेनर्स में होता है और नीचे कार्ट्स में जो बहुत ही ठंडे फ्रीजर से जुड़े होते हैं उसमें खाना लोड होता है ताकि खाना खराब ना हो। तो इस तरह से गैली का लेआउट होता है। तो लेविटरी होगी, गैली हो गई। अब गैली के एरिया के बाद जो कैबिन शुरू होता है, दिस वन, आई थिंक मेरा मार्कर इतना अच्छा नहीं है ये वाला, लेट मी टेक द अदर वन। सो गैली, लेविटरी और इसके बाद जो फर्स्ट कैबिन आता है, जरूरी नहीं कि वो बिजनेस क्लास हो। अब कई एयरलाइंस जिनके पास बिजनेस क्लास में ज्यादा लोग ट्रेवल करने वाले नहीं आते तो वो लोग ज्यादातर अपना पूरा जहाज जो है वो इकोनॉमी क्लास ही बनाते हैं। कई एयरलाइंस हैं जिनके पास तीन जोन एयरक्राफ्ट हैं। तीन जोन मतलब सबसे पहले वाला कैबिन फर्स्ट क्लास जो सबसे महंगी टिकट वाला होता है, सेकेंड क्लास होती है जो बिजनेस क्लास होती है जो फर्स्ट क्लास से थोड़ी चीपर टिकट होती है, इकोनॉमी क्लास की ऑफकोर्स आपको पता है बहुत सारी सीटें होती हैं, थोड़ी सीट्स कंजस्टेड होती हैं, छोटी सीट्स होती हैं जिसमें आपको सिक्योर के बैठना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी क्लास। तो डिपेंडिंग ऑन एयरलाइन रिक्वेस्ट, अगर तीन जोन है तो तीन जोन में जितना जो जहाज है उसको डिवाइड किया होता है, टू जोन है तो बिजनेस क्लास और इकोनॉमी होता है, तीन जोन है तो फर्स्ट, बिजनेस और इकोनॉमी होता है। तो यहां पे मैंने ड्रॉ करा है टू जोन। तो ये फर्स्ट कैबिन जो है, ये जो विंडोज बनी होती हैं इनको बोलते हैं विंडो ब्लाइंड्स। कभी भी अगर आप एज अ पैसेंजर ट्रेवल करोगे, आपके जो जहाज के साइड की विंडोज होती हैं उसके आगे कवर्स लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विंडो ब्लाइंड्स। इसका नाम मैंने आपको क्यों दिया है, क्योंकि अगर आप कैबिन क्रू बनते हो तो ये नाम आपके काम आएगा, पैसेंजर को पूछना पड़ता है प्लीज ओपन द विंडो ब्लाइंड्स, टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त उनको ओपन करना जरूरी होता है। तो ये विंडोज होती हैं, विंडो ब्लाइंड्स। उसके बाद आपको बताती हूं, मान लीजिए ये पैसेंजर सीट है, ये पैसेंजर सीट है, ये पैसेंजर सीट है, ये पैसेंजर सीट है। सीट के बाद आपको पता है जो बीच में सीटों के बीच में जो एक गली होती है, जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं आइल। मैं आपको लिख के बता देती हूं, तो जो बीच में चलने का रास्ता होता है उसको बोलते हैं आइल। तो अगर आप मान लीजिए सीटों के बीच में जहां से चल के मान लीजिए आप लेवेटरी यूज करने जाते हैं या टहलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं आइल। तो ये होती हैं आइल्स। तो जैसे ये एक आइल है, यहां पे भी एक आइल है, ओके। इसको बोलते हैं विंडो लाइट्स। ये मैंने कैबिन रफली बनाया है। सीटें अगेन एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, साइड में दो, बीच में दो, साइड में दो, या साइड में एक, बीच में तीन, साइड में एक, तो इस तरह से वो अपने हिसाब से बनाते हैं। इसके बाद का कैबिन मैंने आपको बोला था, इस कैबिन का नाम होता है फॉर एन एग्जाम्पल बिजनेस क्लास। ये कैबिन होता है इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में भी यहां साइड में विंडो ब्लाइंड्स होती हैं। ऑलराइट, इसका भी जो कैबिन का लेआउट होता है इकोनॉमी का, कई बार साइड में तीन सीट्स, बीच में चार सीट्स, फिर साइड में तीन सीट्स होती हैं, तो तभी लोग आयल सीट ढूंढते हैं। अब आपको पता नहीं है कि आयल सीट कौन सी, मैं आपको बताती हूं। तो जो विंडो के पास सीट है उसको बोलते हैं विंडो सीट, और जो सीट इस आयल के बाजू में होती है, एक मिनट, अब आयल के जो बाजू में सीट है ये आयल के साथ लगती हुई सीट है, ये भी आयल के साथ लगती हुई सीट है, तो इसको हम बोलेंगे आयल सीट। और जो सीट विंडो के पास में है उसको हम बोलेंगे विंडो सीट। तो कभी अगर आप किसी से बात करते हो, विंडो सीट क्या होती है, जो विंडो के बिल्कुल साथ लगती हुई सीट है जहां से आप बाहर देख सकते हो, और जो सीट आयल, जहां निकलना चलना करना आसान रहता है, टॉयलेट जिनको ज्यादा यूज करने की जरूरत पड़ती है, वो लोग आयल सीट प्रेफर करते हैं। तो आयल सीट और विंडो सीट। उसके बाद आ जाता है गैली। जैसे मैंने आपको बताया गैली, हर जो जोन होती है उसकी अपनी गैली होती है। गैली किचन आपको अभी तक याद हो गया होगा। तो इकोनॉमी क्लास की मोस्टली जो गैली होती है वो बिल्कुल पीछे होती है बहुत सारे एयरक्राफ्ट की। तो ये पीछे गैली होती है, इसमें भी वही फैसिलिटीज होती हैं, वही सारी चीजें होती हैं जो इस तरह की गैलीज में होती हैं। कई बार कई जहाज ऐसे होते हैं जिनके बीचों बीच में भी एक छोटी सी गैली होती है जिसमें कुछ थोड़ी सी चीजें पड़ी होती हैं, लेकिन फुली ऑपरेशनल गैली नहीं होती है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जहाज के बारे में जो मेरा दिल किया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप इन सब चीजों के अभी से यूज हो जाए। तो मैं एक बार से दोबारा रिव्यू कर देती हूं। ये होता है कॉकपिट। जहाज जिस तरफ को आगे दौड़ता है, अगर मैं उस तरफ को देखते हुए खड़ी होके अगर राइट हैंड करती हूं तो वो जहाज का राइट हैंड साइड है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और जहाज का भी लेफ्ट हैंड साइड है आगे देखते हुए। ये टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीजें क्यों काम आती है, क्योंकि जहाज में जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे एक्सप्लेन किए जाते हैं जिसमें जहाज का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात की जाती है। अब अगर आप जहाज के पीछे देखते हुए खड़े हो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। तो उन्होंने कुछ एक रूल्स सेट स्टैंडर्ड बनाए हैं जिसके लिए सब कैबिन क्रू का, एस्पायरिंग कैबिन क्रू का ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी साइड को राइट हैंड साइड बोलते हैं, कौन सी साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाती है राइट हैंड साइड। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, केटरिंग हमेशा राइट हैंड साइड के दरवाजों से होती है। क्लीनिंग टीम भी मोस्टली राइट हैंड साइड डोर से आती है, लेकिन कभी कभी लेफ्ट डोर भी क्लीनिंग वाले आने के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन केटरिंग मोस्टली राइट हैंड साइड से ही होती है क्योंकि राइट हैंड साइड में ही ट्रक लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें अभी आपको समझ आ गई होंगी। आप अगर एक बार बोर्ड पे देख के लिखना चाहते हैं अपने आप, ये सारी टर्मिनोलॉजी नोट कर लेना चाहते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएगी। अगर आप जो भी मैं अभी आने वाले दिनों में आपको पढ़ाती हूं, अगर आप वो अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, तो अगर आप कैबिन क्रू ट्रेनिंग में जाओगे तो आपके लिए बहुत ही चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी कंपेयर टू अदर्स जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ गया बोलते बोलते, क्योंकि इतनी दूर से बोलने की आदत नहीं है, पर मजा आया आज आपको पढ़ाने में और कुछ चीजें शेयर करने में।
आपने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरह के और वीडियोस आपको पसंद आते हैं या आप सुनना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, और मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।